हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज खास क्या है, क्या आपको सिखाऊंगा, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हम एक्सेल शीट पे मौजूद हैं और अगर हम इसको कलर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम टैब को कलर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी चाहिए, तो आपको प्रेस करना है Alt, फिर प्रेस करना है O, फिर प्रेस करना है H और फिर प्रेस करना है T। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि कलर्स वाले विंडो ओपन हो जाएगी और जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं नीचे जो शीट वन है, देखिए ये हरे कलर में आ गया है, देख सकते हैं। एक बार फिर से इसी बटन को दबाते हैं और समझते हैं कि दूसरा अगर टैब हम ओपन करते हैं, देखिए ये टैब हमने ओपन कर दिया, अब देखिए ये वाला हरे कलर में आ गया है। और अगर दूसरा हमें ओपन करना है तो फिर मैं प्रेस करता हूँ Alt, फिर प्रेस करता हूँ O, फिर प्रेस करता हूँ H और फिर प्रेस करता हूँ T। तो प्रेस किया और यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया कलर वाला विंडो। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं येलो कलर में, तो ये येलो कलर कर दिया और ओके प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है येलो कलर वाला, ये देखिए यहाँ पर ये एकदम से येलो कलर में दिखाई पड़ रहा है और ये ग्रीन कलर वाला जो है आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि टैब को भी आप शीट को भी कलर कर सकते हैं, यानी कि जो शीट आप ओपन करके रखेंगे उस टैब को भी आप कलर कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।